नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DMD फार्मेसी ज्ञान योर हेल्थ योर प्रायोरिटी में। आज हम बात करने वाले हैं कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जैसे कि इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। हेल्थ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अब जानते हैं कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में। कैंडी फोर्स कैप्सूल यह दो वेरियंट में आता है, कैंडी फोर्स 100 mg एंड नंबर दो कैंडी फोर्स 200 mg। कैंडी फोर्स 100 mg में इटोकोनाजोल 100 mg होता है और कैंडी फोर्स 200 mg में इटोकोनाजोल 200 mg होता है। अब हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में। यह दाश खास खुजली में इसका उपयोग करते हैं। अगर हमें स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है तो हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस कैप्सूल को अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और गैस जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर आपके लीवर की समस्या पहले से ही है तो आप इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तब भी इस कैप्सूल का यूज ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए। इस कैप्सूल को बच्चों से दूर रखना चाहिए। इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।